सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटर्स ब्लॉग। आपका फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे को कुछ ना कुछ हमेशा बनाना पसंद है। अभी क्या होता है कि एक ऑर्डर कंप्लीट करने से पहले दूसरा ऑर्डर मेरे को मिल जाता है। तो इस बार मेरे को बहुत ही एक खास रिक्वेस्ट मिला कि मैं एक रूम के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाऊँ, एक साउंड सिस्टम ऐसा बनाऊँ कि बहुत अच्छा क्वालिटी आए। और प्लस इसमें एक चीज़ बहुत यूनिक था कि जिनका ये है उन्होंने ये बोला कि मेरे को स्पीकर्स में कोई भी तरह का डिज़ाइन या किसी भी तरह का लुक्स का कोई भी काम नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं पीछे जो स्पीकर लगा हुआ है इधर, उसमें वो बस रॉ प्लाई है, मतलब ऐसे प्लाई काट के उसको डिज़ाइन बना के बना दिया, मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया। आप देख सकते हैं इधर एक है और इधर एक है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जो भी खर्च मतलब डिज़ाइन या उसको सजाने में आता वो खर्च मैं साउंड क्वालिटी में करूँ। तो इस टाइप का सबसे पहला मेरे को रिक्वेस्ट मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस टाइप का काम करके उन्होंने बोला कि जो आपको पसंद है वो आप करो और एकदम बेस्ट क्वालिटी आप प्रोवाइड करो, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये 4.2 सेटअप मैंने बनाया है। यहाँ पे इधर पे दो स्पीकर है, ये सामने साइड है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर रखा हुआ। तो इसके बेस पे मुझे रूम पे क्वालिटी देना था साउंड। तो इधर पे फ्रंट का दो स्पीकर है और पीछे अगर देखेंगे तो पीछे दो स्पीकर है। पीछे का स्पीकर यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, ये देखिए चारों स्पीकर का डिज़ाइन सेम है। और अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे वाला जो स्पीकर है वो थोड़ा हाइट पे लगा हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं वो सीलिंग पे टच होने ही वाला है, सीलिंग से थोड़ा सा नीचे है। और सामने का जो स्पीकर है वो आप देखेंगे तो वो बस दरवाजे के ऊपर है। इससे क्या होता है कि जो साउंड आता है वो आपको सामने से ज़्यादा आता है, मतलब कोई भी डायलॉग होगा, मूवी देखेंगे उस टाइम तो सामने से आपको पता चलेगा कि वो सामने से आ रहा है या ऐसे, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन वो एक्चुअल में होता है। अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के अगर मूवी देखेंगे या थोड़े से पीछे बैठ के देखेंगे तब वो पता चलता है। और पीछे का जो वो ऊपर होने का वजह ये है कि थोड़ा सा मतलब सराउंड आने के लिए, सराउंड वाला साउंड आने के लिए। तो ऐसे हम सेटअप करते हैं। तो ये सिस्टम खास ये रूम के लिए बनाया हुआ है। ये सिस्टम को अगर आप बाहर कहीं बजाएंगे तो ये वहाँ पे अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं देगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जब मैं इतना बोल ही रहा हूँ तो आपको आवाज़ सुनाना तो बनता है। आवाज़ सुनने से पहले आप ये चीज़ देख लीजिए कि इसमें दो वूफर का सेटअप लगा हुआ है, मतलब बेस उनको चाहिए था कि बेस बढ़िया रहना चाहिए, बेस ऐसे रहना चाहिए कि जो ऐसे बाजार में जो मिलता है उस टाइप का नहीं, मतलब बेस सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो इसका बेस वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेबल के नीचे आप देखिए यहाँ पे दो सबवूफर है बड़े बड़े। अगर इसका साइज़ आपको कंपेयर करना है तो मैं आपको साइज़ कंपेयर करके बताता हूँ। आसपास मेरे पास क्या है, अच्छा मेरा, अच्छा ये बोतल ले लीजिए, ये बोतल को देखिए इतना बड़ा, ये आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा। इसके अंदर 8 इंच का दो वूफर लगा हुआ है, इसमें एक है और उसमें एक वूफर लगा हुआ। तो इसका जो पोर्ट है वो इस टाइप का है, आप देख सकते हैं ये ट्यून्ड पोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कैलकुलेशन करके बनाया गया है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई डिज़ाइन या किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया हुआ, एकदम रॉ अप्लाई है। और मेन जो मशीन है वो बेड के नीचे रखा हुआ है। बेड के नीचे रखने का भी कुछ खास वजह था, वो आप देख सकते हैं उस कोने में। तो अभी मैं सेंटर में बैठा हूँ और हम लोग गाना चलाएंगे।
सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलते हैं फिर, मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय।